हम इसी अपने जो इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं उसके तहत जो करते हैं वही करते रहे। भाभी लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया कि कैमरे हैं, आपको तो कैमरों से कोई एतराज़ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी की बात ही देखिए, कैमरे तो आम दुकानों में होते हैं, गलियों में होते हैं, क्योंकि एक शटर हमें जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है उनकी हिफाजत के लिए, और ये यहाँ पे तो होना लाजमी है ना, ये तो उसकी सेफ्टी के लिए, उन सब बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनके अपने इदारे के लिए सेफ्टी के लिए, तो ये तो एक मैं कहूँगी ढलाना बात है कि कैमरे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे बच्चों को मेरी बेटी बता रही थी कि यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, टाइम से उठाते हैं, मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, और बड़ा अच्छा उसको बल्कि और चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको, जो दो चीज़ें बच्चियाँ डिमांड करती हैं वो ला के देती हैं, हर चीज़ जो बच्चों को जिस फील्ड में बच्चियाँ शौक रखती हैं ना उनकी वो चीज़ें पूरी की जाती हैं, उनको फिर उसमें उनको लगाया जाता है ताकि वो सीखें और पढ़ें और कुछ करें, बड़ा अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ज़ाहरा काज़मी की वालिदैन से मुलाकात इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहरा काज़मी मामा मामा बाबा बाबा पुकारते हुए भागते हुए वालिदैन का खुद गेट पर वेलकम करने आती है। ये सब कुछ देखकर आंखों में आंसू आ गए। मेहदी अली काज़मी साहब अपनी बेटी की पसंद की चीज़ें लेकर गए। ज़ाहरा काज़मी ने वालिदैन से भी घर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्ची दुआ ज़ाहरा की अपने वालिदैन के साथ मुलाकात बड़ी अहम थी, और आज ज़हीर लोग जितने भी हैं आज इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची दुआ ज़ाहरा अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए रजामंद है। इस हवाले से पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी बकायदा लिख दिया गया है कि बच्ची दुआ ज़ाहरा अपने वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश रखती है, तो दूसरी तरफ आज ज़ाहरा काज़मी ने वालिदैन से भी घर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मेहदी काज़मी ने भी बेटी दुआ ज़ाहरा को खुशखबरी सुना दी है कि बेटा बहुत जल्द तुम हमारे साथ घर पर वापस चली जाओगी। ज़ाहरा काज़मी ने भी वालिदैन से अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि बाबा जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मैं ये काम करूंगी, जिस पर मेहदी अली काज़मी साहब हंस दिए। मेहदी काज़मी ने भी अपनी बेटी को तसल्ली दे दी है कि बेटा हम केस जीत रहे हैं और मैं इस वक्त मुतमिन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़हीर गैंग के खिलाफ अदालत में ऐसे सबूत पहुँचा दिए गए हैं जिसके बाद अब इनका बचना नामुमकिन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फातिमा की तरह बच्ची दुआ ज़ाहरा भी अदालत में बयान देगी कि वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है, जैसे फातिमा ने बकायदा अदालत में बयान दिया जिसके बाद बच्ची फातिमा को अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई थी, और अब अगर ज़रूरत पड़ती है तो बकायदा बच्ची दुआ ज़ाहरा से भी ये बयान लिया जा सकता है। जहां पर सबसे बड़ी खबर ये है कि आज जब वालिदैन बच्ची से मिलने गए तो पहले बच्ची से पूछा गया कि बेटा तुम वालिदैन से मिलना चाहती हो या नहीं, जिस पर बच्ची ने रजामंदी की ख्वाहिश का इजहार किया, तो इसके बाद ही वालिदैन को बच्ची से मिलने दिया गया, क्योंकि इससे पहले जब भी वालिदैन बच्ची दुआ ज़ाहरा से मिलने जाते थे तो इनकी तरफ से कहा जाता था कि बच्ची वालिदैन से मिलना नहीं चाहती और वो वॉशरूम की कुंडी लगा लेती है, तो जिसके हवाले से आज एक बार फिर पहले बच्ची से पूछा गया कि बेटा तुम्हारे वालिदैन बाहर खड़े हैं, क्या तुम अपने वालिदैन से मिलना चाहती हो या नहीं, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, जिस पर बच्ची अपने वालिदैन से मिलने के लिए बेताब थी और बच्ची ने रजामंदी का इजहार किया, तो उसके बाद ही वालिदैन को शेल्टर होम में आने दिया गया। ज़हीर को हर हाल में सजा की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। बच्ची के लिए कल रात वालिदैन ने गिफ्ट पैक किए, क्योंकि इस बार जो मुलाकात थी वो बड़ी ही दिलखराश मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले बच्ची की अपने वालिदैन से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, और अब बच्ची ने बकायदा मेडिकल रिपोर्ट में भी वालिदैन के साथ जाने का इजहार किया है, और ये बकायदा डंकी की चोट पर अब मेहदी अली काज़मी साहब ये कह सकते हैं कि उनकी बेटी उनके साथ जाने के लिए तैयार है, जहां पर मर्जी बेटी का बयान दिलवा लें, बेटी अपने वालिदैन के साथ ही रहना चाहती है। बच्ची के लिए कल रात वालिदैन ने जो गिफ्ट पैक किए आज बच्ची दुआ ज़ाहरा को दिए गए। आज की मुलाकात 3 घंटे पर मुहित थी। आज वालिदैन बच्ची के साथ ज़ोर ज़ोर से रोते रहे। वालिदैन की जानब से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि अब इंशाल्लाह अगली मुलाकात बच्ची दुआ ज़ाहरा की हमारे साथ घर पर होगी और यहां से हम बच्ची दुआ ज़ाहरा को ले जाएंगे। अगले 48 घंटों में बहुत ही अहम जो इंकशाफात हैं वो होंगे, और अगले 48 घंटे बहुत ही अहम हैं।
बच्ची जिस तरह आज मामा मामा बाबा बाबा पुकार रही थी और ये आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बच्ची वालिदैन से मुलाकात के लिए बेताब थी, जिसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी अली काजमी साहब की जीत हो चुकी है। बेशक बेटी दुआ जहरा अभी कुछ ही दिनों में अपने घर पर चली जाएगी, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी अली काजमी साहब की बेटी मुकम्मल तौर पर उनके हक में बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है। तो आप ये हम कह सकते हैं कि बच्ची अब वालिदैन के पास वापस चली गई है।